हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, तब से ही देश को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रहे हैं। बीजेपी सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई योजनाएं शुरू की गईं। लोगों के हितों के लिए ये योजनाएं काफी फायदेमंद साबित हुई हैं। इन योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को काफी मिला है। वहीं साल 2014 के सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी सरकार के 5 साल पूरे होने को आए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले एक बार फिर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। हालांकि नरेंद्र मोदी बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, और पीएम मोदी ने एक बार फिर से ये साबित दिखाया है कि वो बड़े फैसले लेने से कतराते नहीं हैं। अब उन्होंने सवर्ण जातियों को सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह मौजूदा 50% आरक्षण से अलग होगा। सामान्य वर्ग को अभी भी आरक्षण हासिल नहीं है। एक सूत्र ने बताया कि आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। आरक्षण का फायदा लेने के लिए आय प्रमाण की जरूरत पड़ सकती है। जिन सवर्णों की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, वही इसका फायदा उठा सकेंगे। वहीं दूसरे दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और पैन कार्ड भी जरूरी हो सकता है। साथ ही आधार कार्ड, बैंक पासबुक और इनकम टैक्स रिटर्न भी आरक्षण का फायदा उठाने के लिए जरूरी हो सकता है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को कांग्रेस ने चुनावी जुमलेबाजी करार दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आम चुनाव से पहले सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि क्या आपने इस बारे में 4 साल और 8 महीने तक सोचा? निश्चित तौर पर आचार संहिता लागू होने से 3 महीने पहले इस चुनावी जुमलेबाजी के बारे में सोचा गया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि आप कोटा की सीमा को 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए आप यह दिखाना चाहते हैं कि आपने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।